हेलो एवरीवन आई एम अखिल स्टेट जीरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टेट ज़ीरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर संडे को हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो शुरुआत करते हैं 24 से 30 अगस्त 2020 के टॉप तीस से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की जो आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यू पी एस हो एस हो या स्टेट एग्जाम हो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर विज़िट कर सकते हैं साथ ही हमारे पेड कोड्स से जो मिनिमम कॉस्ट पे आपके लिए उपलब्ध हैं वो भी आप जाके हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं साथ ही हर वीडियो की पीडीएफ लेक्चर प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी हर वीडियो की पी लेक्चर उपलब्ध है तो शुरुआत करते हैं लेट्स यू स्टार्ट आज के इंपॉर्टेंट सेशन की वेयर हैज़ द प्लांट रिसेंटली कन्वर्टेड वेस्ट प्लास्टिक टू डीज़ल इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको डीजल में कन्वर्ट करने के लिए एक प्लांट का उद्घाटन किया है इससे पहले भी उत्तराखंड सरकार पांच राज्यों में जो वेस्ट कचरा है उससे बिजली बनाने के प्लांट का उद्घाटन कर चुकी है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड इसके अलावा उत्तराखंड हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में है उत्तराखंड में एक दुर्लभ प्रजाति का श्रप मिला है इसके अलावा उत्तराखंड में अपनी दूसरी राजधानी जो शिमला को दूसरी राजधानी बनाया उत्तराखंड ने शिमला और देहरादून दो तो राजधानी उत्तराखंड में बन चुकी हैं अब उनके लिए भी काफ़ी चर्चाओं में इसके उत्तराखंड में कोविड को कंट्रोल करने में काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई है उसके लिए भी उत्तराखंड चर्चा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन so right है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है बेबी रानी मौर्य नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच कंट्री हैज़ प्रपोज एन एमरजेंसी अमेजन समिट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेरू पेरू ने एक आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा है अब अमेजन शिखर सम्मेलन क्या है इसमें पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों को डिस्कस किया जाता है और पेरू ने प्रस्ताव रखा है कि अमेजन आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया जाए हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है जिसको कंट्रोल करने के लिए विश्व के 190 से ज़्यादा देशों ने पेरिस एग्रीमेंट 2030 पे साइन किया इंडिया भी उसका एक पार्ट है जिसमें 2030 तक 30 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करना है इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर पे? पेरू ने एक प्रस्ताव रखा है कि इस पर एक आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन बुलाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट यू एन कॉप फोर्टीन रिसेंटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडिया इंडिया ने यूएन सी सी डी को फोर्टीन देशों की मेज़बानी करने का प्रस्ताव रखा है इंडिया यूएन सी सी डी को फोर्टीन देशों की मेजबानी करेगा जिसमें विभिन्न सामरिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी तथा अन्य स्टेट एग्जाम मध्य प्रदेश की सभी स्टेट एग्जाम और छत्तीसगढ़ तथा अन्य स्टेट की एग्जाम्स मिनिमम कॉस्ट पे और देश के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिस ना करें स्टेट जीरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहा है कि आप स्टेट ज़ीरो पर विजिट करके मिनिमम कॉस्ट में आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं साथ ही गवर्नमेंट जॉब मिनिमम कॉस्ट में और एक सही मार्गदर्शन में प्राप्त कर सकते हैं तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमारे कोर्सेज परचेज कीजिए डेमो वीडियो देखिए यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे वहाँ पे डेमो वीडियो देखकर आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं जो मिनिमम कॉस्ट में आपके लिए उपलब्ध हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रिसेंटली वो लॉन्च क्यू कोड स्कीम ऑन हिम्मत प्लस ऐप तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनिल बैजल अनिल बैजल जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने हाल ही में एक हिम्मत प्लस ऐप पर क्यूआर कोड स्कीम लॉन्च है इससे पहले हिम्मत प्लस ऐप पर क्यू कोड स्कीम शुरू की गई अनिल बैजल कौन है दिल्ली के उपराज्यपाल चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए दिल्ली में राज्यपाल का पद न होकर यहां उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल दिल्ली हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहे देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में शुरू किया गया इसके अलावा हर घर राशन स्कीम भी दिल्ली में शुरू की गई है दिल्ली सरकार राशन की घर घर होम डिलीवरी शुरू करने वाली इसके अलावा दिल्ली सरकार काफ़ी दिल्ली सरकार ने अपना नया स्टेट बोर्ड बनाने की घोषणा भी की तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको दिल्ली से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने को मिले नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर ऑफ आई ए एफ इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शैलजा धामी शैलजा धामी को इंडियन एयरफोर्स का पहला फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सालिजा धामी नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वेयर हैज द बीन लॉन्च टू हेल्प पैरा ओलंपिक टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेल प्रस्तावित हैं जिनमें पैरा ओलंपिक जो दिव्यांगजन हैं उनको सहूलियतें प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है टोक्यो टोक्यो में 2020 में ओलंपिक गेम्स प्रस्तावित थे लेकिन कोविड 19 के कारण उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया अब 2021 में ये खेल प्रस्तावित हैं इसके अलावा हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री सिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इसके अलावा जापान और भारत के संयुक्त सहयोग सयुक से अहमदाबाद से मुंबई देश की पहली बुलेट ट्रेन भी डेवलप की जा रही देश का पहला बुलेट ट्रेन रूट भी डेवलप किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वू लॉन्च्ड जन औषधि सुगम ऐप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डीवी सदानंद गोड़ा डीवी सदानंद गोड़ा द्वारा जन औषधि सुगम ऐप लॉन्च किया गया केंद्र सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति तक जन औषधि एक मिनिमम कोष में उपलब्ध हो हो सके इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके साथ ही जन औषधि केंद्रों का निर्माण जन औषधि केंद्रों का संचालन भी शुरू किया गया जो जिला स्तर पर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है डॉक्टर डीवी सदानंद घोड़ा इनके द्वारा हाल ही में एक सुगम ऐप लॉन्च किया गया जो जन औषधि को प्रमोट करेगा इससे जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करवाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वेयर इज द एक्स्ट्रा राफेल कम्युनिकेशन सिस्टम इनोग्रेटेड इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है हैदराबाद हैदराबाद में एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन किया गया अब ये राफेल विमान जो फ्रांस से ने खरीदे पांच राफेल विमानों का पहला खेप भारत आ भी चुका है जो अंबाला एयरबेस है उस पर पांच राफेल विमान आ चुके हैं इन्हें तैनात किया गया है तो इसमें अब कम्युनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का हैदराबाद में संचालन शुरू किया जाए किया गया है राफेल फ्रांस की कंपनी एसोल्ट ने बनाया डाशो कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये एक उन्नत तकनीक का फाइटर जेट है जिसके द्वारा परमाणु हमले भी किए जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैजॉप्ड सी डब्ल्यू एम आई रिसेंटली तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात गुजरात सरकार द्वारा गुजरात को सी डब्ल्यू एम आई अवार्ड प्रदान किया गया इसमें गुजरात शीर्ष पर रहा है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपाणी नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एन सी आर टी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एन सी आर टी रिपोर्ट हाउ मैनीसेंट ऑफ स्टूडेंट डू नोट हैव ए स्मार्टफोन और लैपटॉप फॉर ऑनलाइन क्लास हाल ही में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण क्लासेज स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स का संचालन नहीं किया जा सक किया जा रहा है जिसमें ऑफलाइन स्टडी लगभग बंद हो गई है तो इसको प्रमोट करने के लिए और स्टडी को कंप्लीट चालू रखने के लिए ऑनलाइन स्टडी एक एकमात्र विकल्प है एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में स्कूली बच्चों के पास में 27 प्रतिशत स्कूली बच्चों के पास में ना तो स्मार्टफोन है और ना ही लैपटॉप है इसमें ऑनलाइन एजुकेशन में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सत्ताईस परसेंट एनसीआरटी की एक इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार सत्ताईस प्रतिशत स्टूडेंट्स के पास ना तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्मार्टफोन है और ना ही लैपटॉप है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हैज़ बात द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स इज सी एसोसिएटेड विद तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है टेबल टेनिस टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है जो हर साल मेजर ध्यानचंद भारत के हॉकी के जादूगर के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को प्रदान किया जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टेबल टेनिस अब इस साल सबसे ज़्यादा पांच खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है इससे पहले पिछली साल दो खिलाड़ियों दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को यह अवार्ड प्रदान किया गया था इस साल पांच खिलाड़ियों अवार्ड प्रदान किया गया है जिसमें पहलवान विनेश फोगाट के साथ ही क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी पुरस्कार प्रदान किया गया इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अवार्ड राशि भी पांच लाख से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपए कर दी गई तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टेबल टेनिस नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच कंट्रीज टेबल टेनिस स्टार घटक तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडिया इंडिया की टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की ये इंडिया के लिए टेबल टेनिस में काफी मेडल जीत चुकी हैं साथ ही भारत का लगातार टेबल टेनिस में नेतृत्व कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वो हैज रिटर्न ए बुक कॉल्ड ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज उस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुधा मूर्ति सुधा मूर्ति द्वारा एक पुस्तक ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज लिखी गई है इसमें इन्होंने जो वृद्ध माता पिता हैं जो दादा दादी नाना नानी हैं उनको कहानियों का संसार बताया साथ ही उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ में कैसे अफेक्ट करते हैं कैसे उनके एक्सपीरियंसेस से लाइफ को इजी बनाया जा सकता है ये सब बातें सुधा मूर्ति की इस पुस्तक ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज में मेंशन की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड ट्रांजिस्ट हाउसेस फॉर माइग्रेट्स वर्कर्स तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है कर्नाटका कोविड नाइन्टीन के कारण माइग्रेट्स को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके सामने खाने पीने की और रहने की समस्याओं का खाने पीने और रहने की समस्याएं हो गई हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कर्नाटका सरकार ने परगमन योजना परगमन घर बनाने का निर्णय लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द मुस्लिम 500 हंड्रेड मैगजीन हैज अवॉर्डेड द मैन ऑफ द ईयर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इमरान खान इमरान खान को द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वो हैज परचेज द हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेयरचेट शेयरचेट ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीद लिया शेयरचेट जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट को खरीद लिया नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली रशिया मिसाइल सिस्टम तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है टर्की रशिया ने टर्की को एस फोर हंड्रेड वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली देने के लिए समझौता किया है इससे पहले रशिया दो देशों चीन और भारत को भी एस फोर हंड्रेड वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली देने के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुका है चीन को एस फोर हंड्रेड मिसाइल रक्षा प्रणाली चीन के तीन जासूसों को रशिया में पकड़े जाने के बाद में चीन ने इस पर रोक लगा दी इसके अलावा भारत में नवंबर 2022 से एयर डिफेंस मिसाइल रक्षा प्रणाली एस फोर हंड्रेड भारत को प्राप्त होना शुरू हो जाएगी इस मिसाइल प्रणाली द्वारा वायु मार्ग में आकाश में एयर में कोई भी दुश्मन देश की मिसाइल डिटेक्ट होती उसको गिराया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विथ शॉर्ट फिल्म गॉट इंटरनेशनल अवार्ड एट बंगाल लॉकडाउन फिल्म फेस्टिवल तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है डिज़ायर या अभिलाष डिजायर अभिलाष मूवी को बंगाल लॉकडाउन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट मूवी की श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वू हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ दिल्ली माइनॉरिटीज दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है जाकिर खान जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वू रोट द बुक वू पेंटेड माई लस्ट रेड तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिस्टर अय्यर श्री अय्यर द्वारा ये बुक वो पेंटेड माई लस्ट रेड लिखी गई है इससे पहले भी एक बुक का क्वेश्चन आया था और ये एक बुक का दूसरा क्वेश्चन है तो बुक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप स्टार मार्क करके अलग से लिख लीजिए आने वाली एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बुक्स से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा क्योंकि अब कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के कारण युद्धाभ्यास बंद हो चुके हैं और युद्धाभ्यास युद्धाभ्यास जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं तो इनको आप स्टार मार्क करके अलग से लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वो हैज लॉन्च सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विसेज तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप ने डिजिटल सेवाओं के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च किया है इससे पहले भी टाटा ग्रुप अपनी ऑनलाइन परचेजेस के लिए जो ऑनलाइन रिटेल के लिए टाटा क्लिक नामक ऐप लॉन्च कर चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इन विच कंट्री इंडिया पेवेलियन हैज बीन इनोग्रेटेड एट आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है रसिया रशिया के द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया इससे पहले भी रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप काफी स्ट्रोंग रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमिर पुतिन जो दो तक रशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच कंट्रीज गोल्फर सोफिया पपो द वुमन ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी जर्मनी की स्टार गोल्फर सोफिया पपो ने ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल जीत लिया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्कल नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली नुखाई क्रॉप फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडिशा ओडिशा में नुआखाई फसल उत्सव हाल ही में मनाया गया है यह फसल उत्सव नुआखाई जो नई फसल है के आगमन पर मनाया जाता है जो सात दिनों तक ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द गोफन नाइन जीरो फाइव सैटेलाइट इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है चाइना चाइना ने हाल ही में गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री टर्टल बॉन्ड विद गोल्डन सेल है नेपाल।, नेपाल में एक दुर्लभ प्रजाति के सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज की गई है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं के पी शर्मा ओली और नेपाल और भारत के बीच में काला पानी को लेकर हाल ही में विवाद है नेपाल सरकार ने नया नक्शा कालापानी का जारी किया उसके बाद में भारत और नेपाल के बीच में इसको लेकर तनाव देखा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वेयर इज इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर रोपे वे इनोग्रेटेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आसाम आसाम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है इससे पहले आसाम में सबसे लंबी न... नदी रोपवे के साथ में सबसे लंबे रोड रेल रोड ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया इसके अलावा देश के सबसे लंबी टनल या दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित right है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली सऊदी अरब को सस्पेंडेड द ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चाइना सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरामको ने चीन की रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है चाइना चाइना के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वो हैज बीन सरोन इज एज द प्रेसिडेंट ऑफ द डोमे डोमिनिक रिपब्लिक इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है लुइस रोडोल्फ एबिनेटर रूइस रोडोल्फ अबिनेटर को डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया स्टेट ब्यूरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एम तथा अन्य स्टेट एग्जाम की ऑनलाइन क्लासेस मिनिमम कॉस्ट पर और टॉप एजुकेटर्स के साथ उपलब्ध हैं आप यूट्यूब पे डेमो वीडियो देखकर ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं जो आपके लिए मिनिमम कोस्ट में उपलब्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया मोर देन थर्टी टन ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट टू हेल्प इन द ऑयल स्पील इन विच कंट्री रिसेंटली इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है मॉरिसस मॉरिसस में तेल रिसाव के बाद में भारत सरकार ने तीस टन से अधिक तकनीकी उपकरण मॉरिसस सरकार को भेंट किए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इन विच कंट्री एलाज नेचुरल गैस रिजर्व हैज बीन डिस्कवर्ड इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है टर्की टर्की में एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की हाल ही में खोज की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इन विच नेशनल में भारत के राष्ट्रीय उद्यान में सत्तर साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलेरी देखी गई यह किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क में सत्तर साल पहले विलुप्त हो चुकी एक दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी देखी गई तो ये था आज का वीडियो सेशन उम्मीद करके आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक लाइक करके वीडियो को सभी एजुकेशन ग्रुप में और अपने रिलेटिव स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट स्टेट जीरो डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं जहाँ मिनिमम कॉस्ट में आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक गॉड ब्लेस यू